दर्शकों नमस्कार, इनविजन के खास मुलाकात इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे इनविजन के स्टूडियो में खास मुलाकात के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में शुमार है, साथ ही साथ जिनका सम्मान 94.3 FM की ओर से किया गया है। 94.3 FM की ओर से सर आपको पावर ऑफ हाउस नागपुर से नवाजा गया है। दर्शकों, ये और कोई नहीं बल्कि स्वर्गीय वासुदेवराव ढोकरे पाटिल इनके ज्येष्ठ सुपुत्र है। सर, आपका खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार सर। आप WKD बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और CEO भी हो, और इसी के साथ आप नागपुर के JCI संस्था के उपाध्यक्ष भी हो तथा माता पिता वैष्णवी शिक्षण प्रसारक मंडल के आप संचालक है। इतने नहीं तो आप राजीव गांधी राष्ट्रीय विचार मंच के संचालक भी है। सर, आप इस रियल इस्टेट क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। अब तक के आपने शहरवासियों के लिए नागपुर के अलग अलग परिसर में रहने के लिए शहरवासियों के लिए काफी किफायती दाम में उनके सपनों का आशियाना बनाया है। तो दर्शकों, आइए हम बात करते हैं आज के हमारे मेहमान श्री घनश्याम ढोकने साहब से। सर, खास मुलाकात यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके चलते दर्शकों को काफी जानकारी मिलती है और आप भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में से एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आइए सीधा रुक करते हैं, हमारे कुछ सवाल है उन सवाल की ओर। तो दर्शकों, ये रहा पहला सवाल घनश्याम ढोकने पाटिल साहब से। सर, यूं ही देखा जाता है कि बहुत सारे बिल्डर शहर में, किंतु आपका जो एजुकेशन है उनसे ज्यादा है, क्या कहना चाहोगे? आखिरकार क्या है इसका राज, बताइए हमें। तो संजय जी, इसमें राज वाली बात तो ऐसी कुछ खास है नहीं, मगर मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। देखिए, जब मेरा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हुआ सिविल इंजीनियरिंग में, और वो भी नागपुर के YCC कॉलेज से, फिर मैंने इसी क्षेत्र में यानी अपने सिविल इंडस्ट्री में MBA किया, जो कि निकमार कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करके हैं। अब आप देखेंगे कि जब अपन इस फील्ड में आए हैं और इसी में अपनी विशारद अपन ने सिद्ध करने की कोशिश की और इसी में अपना एजुकेशन पैटर्न लिया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि मैं इस क्षेत्र से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस क्षेत्र में नौकरी से शुरुआत की और पिछले 4 सालों से मैं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में यशस्वी रहा हूँ। सर, आपने जो अपनी लाइफ की जो जर्नी जिस प्रकार से बताई है वो काफी महत्वपूर्ण बताई है। मेरा सवाल ये है कि इसमें पिछले 4 वर्षों से आपने अपनी एक खुद की संस्था भी बनाई है और वो संस्था चलाकर भारत के 10 उभरते हुए बिल्डरों में से आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ये मुकाम आपने आखिरकार कैसे हासिल किया ढोकने साहब? जी देखिए सर, किसी भी संस्था को चलाने के लिए आप में 2 चीजों की बड़ी आवश्यकता रहती है जी। एक रहता है विजन, और यानी आपका उद्दिष्ट, और दूसरा रहता है उसको पाने की जिद। और ये दोनों मेरे पिताजी से मुझे खून के विरासत में मिली है। और जब मैंने इस क्षेत्र को चुना तो मेरे पिताश्री ने मुझे इस क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र के क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स, जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहती है, और उसके बारे में समझाया। और जब मैंने खुद इस क्षेत्र में अपना कदम रखा तो मैंने ये जान लिया था कि मैंने अपने जीवन के 17 साल की नौकरी जो की है उसमें से मैंने जो भी सीखा उसका सारा निचोड़ मैंने अपने संस्था में लगाया। और आज आप जो देख रहे हैं उन सारी चीजों का जो निचोड़ का जो फल है वो मुझे इस तरह से मिला कि आज मेरे पास देश के टॉप 10 बिल्डर्स में मेरा नाम शामिल है। और ये उपलब्धि मैंने अपने कष्टों से की है, साथ ही साथ आप सभी लोगों का प्यार रहा है जी। बिल्कुल। तो
तो दर्शकों कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कामकाज करते हैं उन्हें रोशनी प्रकाश दिखता है और जो काम नहीं करना चाहते उनके जीवन में अंधेरा ही होता है। मगर कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो अपने जीवन में उजाला करना चाहते हैं, प्रकाश करना चाहते हैं और यकीनन तरक्की उन्हें मिलती है जिनके कदम बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही श्री घनश्याम लोकने पाटिल साहब के कदम बढ़े और आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में उनके नाम का शुमार है और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। सर, मेरा एक सवाल कुछ सामाजिक काम को लेके था कि यूं तो ऐसा देखा जाता है कि शहर के अन्य बिल्डरों की तुलना में आपका जो कामकाज है काफी सराहनीय है। सर, आप कई दिक्कतें भी आपको आती होंगी लेकिन आप इसे किस प्रकार से हैंडल करते हो, क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, देखिए सर कि हमारे संस्था में जी आप देखेंगे सी जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट निकमर, जैसे जिसको हम आईएम लेवल से कंपेयर करते हैं, उसमें हुआ है। तो मैनेजमेंट ये मुझे सीखने के साथ तो मिला ही मिला और साथ ही साथ मेरे जो जगत गुरु है, जो मेरे खुद के स्वर्गीय पिताश्री वासुदेवराव जी डोकने, उनसे मुझे ये फिर से विरासत में मिला और ये जो मुझे मैनेजमेंट स्किल उनसे प्राप्त हुई उसको मैंने हर अपने जीवन के हर क्षणों में डाला है, हर प्रकार के डायमेंशन में डाला है। आप चाहे मेरी संस्था ले लीजिए, आप सामाजिक संगठन ले लीजिए, मेरे एम्प्लॉई में मैंने जो वैल्यूज इंडक्ट किए हैं वो देख लीजिए या मेरा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट देख लीजिए, आप ये देखेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर जो छाप छोड़ी वो सभी को रूबरू हो सकती है। जो भी मुझे पुराने पहचानने वालों है या जो मेरे पापा को जानने वाले हैं वो सब ये जरूर कहेंगे आपसे। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देते हुए आपसे यही कहना चाहूंगा जी कि ये जो गुण है ये मेरे को पापा से विरासत में मिला, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और इसको करते हुए आपने ये सोचना है कि आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में आपको अपने ऐसे एम्प्लॉय बनाने पड़ेंगे जो खुद ही काम करे, जिनको आप थोड़ी स्वायत्तता दे, यानी जिसको बोलते फ्रीडम, और अगर आपने उनका सही तरीके से ख्याल रखा, मेरे यहाँ के एक ऑफिस बॉय का भी मैं उतना ही ख्याल रखता हूँ, मेरे सीनियर इंजीनियर का भी उतना ख्याल रखता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का भी उतना ख्याल रखता हूँ, वैसे ही मेरे सामाजिक संगठन, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त भाई लोग, मैं सबका उसी तरीके से ख्याल रखता हूँ, यही मेरा जो भी आप कहे। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे आपने जो बात कही काफी बखूबी के साथ कही है और अक्सर ये देखा जाता है कि जो संस्था के जो चालक होते हैं उनका ये दायित्व होता है, उनका ये काम होता है कि वे सभी को लेके चले, और यही काम श्री घनश्याम लोकने पाटिल साहब एक शहर का माना जाना नाम बिल्डरों में एक और ये अक्सर करते रहते हैं। और स्वर्गीय वासुदेवराव लोकने पाटिल साहब के बारे में मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ दर्शकों कि नागपुर शहर में वासुदेवराव लोकने पाटिल साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, भले आज वे आत्मा से शरीर से हमारे साथ न जुड़े हो मगर उनकी आत्माएं हमारे साथ है और हमेशा वे अमर रहेंगे। उनके कामकाज आज भी लोगों की कई जिंदगियां उन्होंने बनाई है। ऐसे स्वर्गीय वासुदेवराव लोकने पाटिल साहब को भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्यों ना हो हम उन्हें अभिवादन करते हैं और फिर से एक बार अगला सवाल घनश्याम लोकने पाटिल साहब आपसे भी करते हैं। पाटिल साहब, ये बताइए कि यूं तो कई बिल्डर सामाजिक कामकाज काफी जो करते हैं काफी उनका सीमित होता है, एक दायरा होता है, या ये कहे कि सामाजिक काम करने से वे परहेज भी करते हैं, ऐसे में आपका काम जो है वो सबसे अलग है और सबसे हटके है। मेरा सवाल ये है घनश्याम जी कि आपको इस सामाजिक काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या कहना चाहोगे, क्या पापा से मिली या अन्य किसी और से? नहीं नहीं संजय जी, आपने सही कहा, सही पहचाना। देखिए ये भी मुझे पापा से ही, मेरे पिताजी स्वर्गीय पिताश्री से ही विरासत में मिली, मगर इसमें एक मेरे पास खास चैलेंज था संजय जी। देखिए मैं ज्यादातर नागपुर में था नहीं जी, जब मेरे पिताश्री थे तो मैं ज्यादातर बाहर था, नागपुर से बाहर था, तो मुझे इतना मालूम था मैं पापा के साथ जहां जहां जाता था, मेरे पिताश्री के साथ जहां जहां गया सामाजिक संस्थाओं में मेरी मुलाकातें होती थी, पर मेरी इतनी अच्छा उठक बैठक नहीं था। मगर जब मैं इस मेरे पापा के गुजरने के बाद जो एक वाइड पैदा हुआ जिसको बोलते खाली रिक्त स्थान,
तो वो मेरे परिवार ने महसूस किया, वो मेरे पिताश्री के जो दोस्त हैं उन्होंने महसूस किया। तो मैंने सोचा कि जब इतनी बड़ी विरासत है इसको क्यों खाली जाना जाने दिया जाए, क्यों ना इसी पे मैं काम कोशिश करूं। और इसी को मैंने आगे लेके जाने के लिए कोशिश किया कि मैंने इसको अपना एक दैनंदिन जीवन का एक अंग बना लिया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं जेसीआई नागपुर में एकदम एक्टिव हूं। और इसका रीजन ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने बोला, इसका रीजन ये है कि मैं मेरे पिताजी के कदमों पे पैर रखते हुए सामाजिक क्षेत्र में भी दुनिया को जो हमने पाया है वो वापस लौटाने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं यही जनता को बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके नक्श कदम पे आप चलते हो और चलते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, ढोकने पाटिल साहब आगे बढ़ते चलो। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। WKD बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं 5 एकड़ मिनी टाउनशिप जो है धोकने पाटिल नगर से विख्यात। अब पाएं WKD's नेस्ट में आलिशान 2BHK वास्तु अनुरूप रेरा रजिस्टर्ड फ्लैट, वो भी अविश्वसनीय कीमत पर, 24 अप्रतिम सुविधाओं से भरपूर, धर्मपेट और फ्रेंड्स कॉलोनी से मात्र 7 मिनट की दूरी पर। WKD है भारत के top 10 उभरते हुए बिल्डर्स में से एक। आज ही बुक करें और पाएं खुद का घर 2021 तक। जल्दी कीजिए, अंतिम 2 यूनिट उपलब्ध। संपर्क करें 7507703020। ब्रेक के बाद फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिन दर्शकों ने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किया उनको मैं बता दूं कि दर्शकों, इन विशन के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए भारत के 10 top 10 बिल्डरों में से एक, जिनका शुमार है, जिनके नाम का परचम लहराता है और जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है, ऐसे श्री घनश्याम ढोकने पाटिल साहब इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है। सर, ब्रेक के बाद फिर से एक बार हम आपका भी स्वागत करते हैं, दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं, और बढ़ते हैं घनश्याम ढोकने पाटिल की ओर और करते हैं उनसे ये सवाल। सर, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोरोना महामारी से सभी क्षेत्रों को झकझोर के और झंझोर के रखा है, इस आपदा में आपने अपने ग्राहकों को, खुद अपने आप को और इस संस्था को कैसे प्रगति पथ पर ले जाने वाले हैं, इसके लिए कोई आपके पास रणनीति है क्या या कोई इसका सॉल्यूशन है क्या, जिसके चलते चाहे आपके ग्राहक हो या संस्था के काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो या आपकी फैमिली हो या आप हो, इसके बारे में आपका क्या प्लानिंग है और क्या कहना चाहोगे कोरोना इस महामारी को लेकर? संजय जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके इस सवाल के लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपने बहुत ही सही समय पे सही सवाल पूछा। देखिए, ये जो महामारी है ये हम में से किसी को नहीं मालूम थी कि आने वाली है या इसका कोई प्रभाव हमारे ज़िंदगी में पड़ने, निजी ज़िंदगी में या हमारे संस्थाओं की ज़िंदगी में पड़ने वाला है। हम सभी के लिए ये कोरोना वायरस एक नई चुनौती लेके सामने आया है। तो इस चुनौती भरे कोरोना वायरस के काल में अगर मैं अपने क्षेत्र रियल इस्टेट के बारे में बोलूं तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि यस, इसका हमारे क्षेत्र पे भी उतना ही प्रभाव पड़ा है जितना बाकी क्षेत्र, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे भी पड़ा है। मगर आपको ये बताते हुए बड़े आनंद के साथ और बड़े फख्र के साथ बताना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी के खत्म होते ही यानी जिसका प्रभाव थोड़ा कम होते हुए ही हमारे रियल इस्टेट में, अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो 47% से सेल्स बढ़ी है। तो जब 47% से सेल्स बढ़ती है तो आप समझ सकते हो कि बिल्डरों को और रियल इस्टेट डेवलपर्स को कैसे खुशी महसूस होती होगी। इसका रीज़न ये नहीं है सर, इसका रीज़न ये है कि इस महामारी ने हम जैसे आम आदमियों को सिखा दिया है। पहले क्या होता था सर, हमारे पूर्वज हमको सिखाते थे कि अगर 100 रुपये का सोना खरीद लो और एक डब्बे में या अलमारी में डाल दिया करो, बीवी को सोना लेके दे दिया, बच्ची को सोना लेके दे दिया, बेटे को सोना लेके दे दिया, दादी को सोना ले दिया, वो सब जाने चले जाता था फिक्स डिपॉजिट पे। अब उसके रिटर्न्स जो है वो पहले से आते नहीं थे। फिर आया रियल एस्टेट सेक्टर को और एक और चुनौती आई जिसका नाम है म्यूचुअल फंड जी। जैसे फिर शेयर मार्केट आया, तो संजय जी आप ये देखिएगा कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, उसके बाद में सोना, इन सारी चीजों को
लोगों ने समझा कि क्या ये हमें ऐसे वक्त पे साथ दे सकते हैं, क्या इन सब चीजों से हमारी जो निवेश थी वो सिक्योर रह पाएगी, तो इसका जवाब उन सबको मिला कि नहीं, क्योंकि सोने का भाव आपने देखा कैसा गिरा, आपने देखा शेयर मार्केट किस तरीके से बुरे तरीके से गिरा, आपने देखा किस तरीके से म्यूचुअल फंड का हालत खराब हो गया। मगर इन सब चीजों में आपने जरूर नोटिस किया होगा किसी भी प्लॉट के रेट कम नहीं हुए, किसी भी अपार्टमेंट के रेट कम नहीं हुए। तो लोगों को यह समझ में आ गया कि आज की इस चुनौती भरी जिंदगी में रियल एस्टेट ऐसा क्षेत्र है जिसने उनको बड़े 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 अदब के साथ और बड़े कसके पकड़े रखा है, उनकी हिम्मत बांधी हुई रखी है। तो ये उनके दिमाग में समझ में आ गया और इसी समय गवर्नमेंट ने भी दो तीन अच्छी स्टेप्स लिए, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत नीचे चल रहा है। आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले 9.25% का इंटरेस्ट रेट के दर से लोन बटते थे, आज मात्र 6.85 या 7% से इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये एक है। दूसरी सबसे बड़ी सुधारणा ये आ गई कि रेरा लॉ लग गया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट में। दूसरा चीज ये हुआ इस कोरोना काल में कि जो लोग प्रॉपर्टी सर्च करने निकले थे उनको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट कम है, सबसे कम निवेश के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है प्रॉपर्टी। और तीसरी चीज उनको ये पता चल गई कि आज की डेट में रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नागपुर में या पूरे देश में सभी जगह है, तो निवेश करने वालों की ताता लग गया है। सिर्फ इसमें गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भेजना है कि लोग जो डर रहे हैं कि मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस फिर से पूर्वरूप चलेगा नहीं चलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर वो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट इस मार्केट में बांधना चालू करे कि जनमानस में एक अच्छा सेंटीमेंट आए कि यस ये मार्केट पॉजिटिव है, मैं खर्च कर सकता हूं, इन 100 रुपए जो मैं अपने जेब में लेके चल रहा हूं आज मैं इसे खर्च करूंगा तो कल मुझे 100 रुपए वापस आएंगे, अगर ये कॉन्फिडेंस मार्केट में चले गया तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट बहुत बड़ी तरीके से उभर के आने वाला है 2030 तक। तो अगर आप मानक दंडों का सुने तो 2030 में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री करके साबित होने वाली है। संजय जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सर ने कहा कि 2030 तक ये जो है ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है, फास्ट होने वाला है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोगों को इन्वेस्ट करना है, लोगों के पास पैसा बहुत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी के पास है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे आपने म्यूचुअल फंड की बात किया है और अन्य जो जहाँ जहाँ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे कई क्षेत्र है जो पूरी तरह से डिस्टर्ब कोरोना से हो चुके हैं, लोग अभी अपना पैसा भी निवेश करना नहीं चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा निवेश करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का अपने परिवारों का गुजर बसर अच्छे से हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनका अच्छा कामकाज हो, इसलिए कुछ ना कुछ वे अच्छे काम के जुगाड़ में रहते हैं। कहने का तात्पर्य वे निवेश करना चाहते हैं। इसी को लेके पटेल सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि सर यदि हमारे दर्शक जो इस समय में लाखों की तादाद में खास मुलाकात प्रोग्राम के जरिए आपको गौर से देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता हूं कि सर यदि हमारे दर्शक आपके रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो इसका कितना फायदा उन्हें हो सकता है? क्या आपकी जो संस्था है आपके संस्था में इन्वेस्टमेंट करने से क्या उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है? ढोकने पाटिल साहब आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए और ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है निवेश करना और इसका कितना प्रतिशत फायदा हमारे दर्शकों को होगा, क्योंकि दर्शक आज ट्रस्ट करते हैं लेकिन उनको ट्रस्ट करने वाला सही व्यक्ति चाहिए। अगर व्यक्ति मिल जाता है तो यकीनन लोग आज भी अपना आशियाना खरीदने के लिए बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप का तो नाम है क्योंकि भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में से आप है। हमारे तमाम हमारे ऐसे प्यारे दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए इस बारे में। जी तो संजय जी, जैसे मैं आपको पिछले सवाल पे आपको बता ही रहा था कि आज भारत में अगर आप ब्याज दरों को देखेंगे, पहले जो 9.25% से 10.5% तक ब्याज दर चलते थे जी, वो आज आके रुके हैं 6.85 to 7.25। तो आप ये देखिए कि ब्याज दरों में ही 2.5 to 3% की गिरावट है, और इस गिरावट का फायदा आप 25 सालों में अगर काउंट करेंगे तो इसमें आपके सारे दर्शकों को मैं बड़े
हर्षोल्लास के साथ बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि अगर आपका 20 साल का आपका लोन टेन्योर है तो आपने इस इंटरेस्ट से मात्र इस इंटरेस्ट से कम 4.5 लाख से 6.5 लाख रुपए की बचत कर ली, पॉइंट नंबर वन जी। दूसरा मैं आपको मुद्दा यह बताना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी पे जो 3% की कटौती की है, जो कि दिसंबर के बाद और 1% बढ़ने वाला है, यानी 4% लगेंगे, तो आपको यह बताना चाहूंगा पहले 6% की स्टैंप ड्यूटी लगती थी, बराबर 6% से आज हमको लग रही है 3%, तो आधे स्टैंप ड्यूटी का जो रिडक्शन हुआ है उसका भी बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने वाला है। इसमें आपके कम से कम, मैं बता रहा हूं, 60 से 70 हजार अगर आप एक 20-25 लाख की साधारण प्रॉपर्टी पकड़ते हैं तो इसमें भी आपका अच्छा खासा सेविंग हो रहा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, रेरा रजिस्ट्रेशन जिन प्रोजेक्ट्स का हुआ है, यानी आपका जो यानी जो हर कॉमन आदमी के दिमाग में एक रहता है कि मैं जो प्रॉपर्टी में अपने इतने मेहनत के पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो प्रॉपर्टी सही है, क्या उसका टाइटल क्लियर है, क्या वो प्रॉपर्टी टाइम पे कंप्लीट होगी, क्या वो प्रॉपर्टी में मुझे जो स्पेसिफिकेशन बोले गए क्या वही मिलने वाले हैं, इन सारे सवालों को जवाब देने वाला पहले कोई नहीं था जी। पर आज रेरा रजिस्ट्रेशन किए हुए प्रोजेक्ट्स में इन सारे सवालों का जवाब और जवाबदेही रखने वाली संस्था जिसका नाम है रेरा, वो आ गई है। तो मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज के जैसा माहौल, यानी पिछले अगर आप 30 साल देखेंगे या मैं बोलूंगा 2010 से लेके 2014 तक जो माहौल नहीं था इस इंडस्ट्री में, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इससे बेहतर मौका रियल इस्टेट इंडस्ट्री को में निवेश करने का आने नहीं वाला। ये दिसंबर के बाद जब कोरोना वायरस से हम बाहर निकल जाएंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट फिर से एडजस्ट करेगी तो इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ के 8.5 के आसपास चले जाएंगे। तो मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम के अनुरूप मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा जो एक छोटा 5 एकड़ का एक मिनी टाउनशिप है, अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है खड़गा रोड वाड़ी में, अगर आप वहां पे निवेश करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 1-2 साल के बाद ये सिटी में, यानी शहर के निवास में आ जाएगा, जो कि आज नागपुर मेट्रो रीजन में आता है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर निवेश के एंगल से आप मेरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो समय बढ़िया है, दूसरा आपको रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं। तो संजय जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस माध्यम से मुझे कस्टमर्स को यह बताना चाहो, और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों से कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी लीजिए, नागपुर में, मुंबई में, पूना में, मगर आप प्रॉपर्टी जरूर लीजिए क्योंकि यह सही समय है निवेश करने के लिए। मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, इससे बेहतर समय आने नहीं वाला, ये सबसे सही समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का। धन्यवाद। बिल्कुल सही समय पे सही कामकाज हो जब हो जाता है तो उसे ही कहते हैं कि सही काम होना। ढोकने पटेल साहब, WKD ये एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा नाम है, प्लीज हमारे दर्शकों को WKD का थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। जी जी सर, देखिए संजय जी, WKD ये जो नाम है लोगों के लिए एक सिंपल 3 लेटर लग रहे होंगे, मगर मैं आपको दर्शकों के माध्यम से आपके माध्यम से दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि WKD इज नथिंग बट ये मेरे पापा के जो नाम है उनके 3 इनिशियल है, वासुदेव, केशव और ढोकने। अच्छा। और मैंने मेरे जिंदगी में मेरे प्रेरणा स्थान मेरे पिताश्री को समझा है, तो मैंने उन्हीं के नाम से ये कंपनी चालू की, और ये कंपनी में जो भी होगा आगे, जैसे इस कंपनी का जो भी डिविजन्स बनेंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एजुकेशन सेक्टर में भी जा रहा हूं, अभी मैं उसके बाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा रहा हूं, तो इन सारे इंडस्ट्री में WKD विल बी अ ब्रांड, जैसे WKD मल्टीप्लेक्स, WKD स्कूल जी, WKD स्कूल ऑफ यानी बिजनेस, ऐसा सारा एक्सपांशन मैं अपने पापा के नाम से जो ये कंपनी चालू किया हूं इसी नाम से होगा। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, WKD ये एक साधारण ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बाकी कंपनियों के मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है आपने उनका भी नाम सुना है, मगर मैं आपके सारे दर्शकों को आपके माध्यम से ये पक्का बताना चाहूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव, इस ऑर्गेनाइजेशन का जज्बा, इस ऑर्गेनाइजेशन की विजन ऐसे रखे गए हैं कि ये
ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाले 5 सालों में ऐसा बड़ा नाम करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों, और हम यही दुआएं करते हैं ऊपर वाले से, आपका कामकाज बढ़े और सभी हमारे दर्शकों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि आपके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हैप्पीनेस इज द एवरीडे सनशाइन ऑफ योर लाइफ, और हमारे दर्शकों को भी एक सूरज की एक ऐसी ताजगी मिले, किरणें मिले और उनका जीवन भी रोशनमान हो। तो दर्शकों, ये थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान श्री घनश्याम ढोकने पाटिल साहब, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ खास मुलाकात इस कार्यक्रम में सभी पहलुओं पर रोशनी डाली है। और दर्शकों, अगली बार फिर शहर के किसी ऐसे एक शख्स से, इस ऐसे पर्सनैलिटी से फिर से हम आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात। सर, आज आप हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए इनविशन के स्टूडियो में समय पर समय निकाल के आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आपका आभार भी मानता हूँ। थैंक यू संजय जी, मैं आपका और आपके पूरे स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपने दर्शकों से, जो कि 14 लाख दर्शक, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस डिजिटल माध्यम में इन बीसीएन ने जो अपना महत्व का योगदान दिया है वो भी एक सराहनीय है, और आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके गौरवान्वित किया है, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, और जिस प्रकार से जो इतने जो तादाद में जो दर्शक बढ़े हैं और जो कामकाज जो इन बीसीएन का और हमारा जो नागपुर मेट्रो समाचार एक अखबार जो है, इनके पीछे हमारे बैकबोन, हमारे गॉडफादर जो है जनाब सिराज भाई शेख है, और उनके सभी फिर काम करने वाले हमारे इमरान भाई शेख है, और तमाम हमारे ये जो कलीग्स लोग हैं, हम सब काम जो करते हैं, हमारे जो बॉस है, वो जो हमारे सुप्रीम है, वो हमको बड़े प्यार से लेके चलते हैं और हम सब पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज इन बीसीएन के हर कामकाज फल और फूल रहे हैं और आपका भी कामकाज इसी प्रकार से फलता और फूलता रहेगा। यही दुआएं करते हैं और फिर से मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में आपके साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।